स्टूडेंटों की रैली में मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष श्री सुभाष भराला जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और उस कार्यक्रम को संचालन देने वाले आप सब के दिलों में बसने वाले हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी है और आज के कार्यक्रम को के रूपरेखा तय कर रहे हैं, हमारे श्री केपी दलाल जी, जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जो यहां से सांसद है, श्री संजय भाटिया जी सांसद, श्री गजेंद्र सिंह जी जिला के अध्यक्ष, यहां उपस्थित सभी विधायकगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस क्षेत्र के माताएं, बहने, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा यह सौभाग्य है कि इस प्रगति रैली में मुझे आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला और प्रगति रैली में जिस तरीके से आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है और एक बार नहीं अनेकों बार खड़े होकर के भी स्वागत किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये प्रगति रैली इस बात का सूचक है कि पार्टी अपनी संस्कृति को किस तरीके से प्रतिरक्षित करती है। जब हम प्रगति रैली कहते हैं तो साफ हो जाता है कि हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार ने आपकी प्रगति में भागीदारी निभाई और प्रगति कहां से कहां तक हुई। बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों की सरकारें चली हैं, कभी प्रगति रैली नहीं हुई। अगर रैली हुई तो किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए हुई, कोई अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हुई, लेकिन जनता की आवाज को सुनाने के लिए और जनता की आवाज पर काम करने वाली रैली है तो वो प्रगति रैली अभी हमको देखने को मिली है। यहां हम लोगों की प्रगति की बात कहते हैं और दूसरी सरकारों में नेता की प्रगति नहीं होती, जनता की प्रगति नहीं होती, उस जगह में नेता की प्रगति होती है, इसके सिवा किसी की प्रगति नहीं होती। ये हमारे यहां है जहां हम कहते हैं कि जनता की प्रगति के बाद। मैं यहां बैठा बैठा देख रहा था, बहुत दूरों से सजाया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा है और पिटिया को बहुत सुंदर फूलों से यहां बनाया है। यही है हरियाणा जो आज से पांच साल सात साल पहले देशभर में अगर इसकी बदनामी होती थी तो कहते थे कि महिलाओं का जो रेशियो है वो हजार में 830 है और ये चिंता का विषय था।
सर छोटू राम को प्रति भी हम नमन होते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए विशेष योगदान दिया। मित्रों, आदरणीय मोदी जी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलकर समर्पित है कि हरियाणा का विकास हो और हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़े, इस बात के लिए हम समर्पित हैं और उसके लिए हम कार्य करते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है कि गांव, किसान, गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित जो शोषित है उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इस बात को लेकर के हम लोगों ने इतनी बात कहा है। और जब हम इस बात की तस्वीर को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश में वह कार्य इस बात के सूचक है कि देश को आगे बढ़ा ही बढ़ा लेकिन हरियाणा को भी मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक समय में वन रैंक वन पेंशन की आवाज हरियाणा की धरती से ही आदरणीय प्रधानमंत्री थी उस समय जब चुनाव के कैंपेन में आए थे तो उन्होंने उठाया। लंबे समय तक वन रैंक वन पेंशन पर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करती, उसका उद्देश्य था कि इस पर राजनीति की जाए। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि वन रैंक वन पेंशन को किसी और ने नहीं, मोदी जी ने इसको सुलझाया और सुलझाने के साथ साथ 2,30,00,000 केसेस, सारे के सारे केसेस जो पेंडिंग थे उनको पूरा किया और 10,000 करोड़ रुपए की लागत देकर के यह काम पूरा किया। यह हम आपको बता रहे हैं। हमारे बहुत से लोग फौज में अपना जीवन लगाते हैं, देश के लिए शहादत देते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये प्रगति रह रही है, इसके प्रगति क्या हुई है यह अभी हमको समझना चाहिए। पिछले 20 सालों में जब तक मोदी जी नहीं आए 20 सालों में एक भी असला, एक भी एरोप्लेन, एक भी लड़ाई का सामान नहीं खरीदा गया। और जब खरीदने गए तो गए पीछे घोटाला पहले, चाहे वो हेलीकॉप्टर का घोटाला हो, चाहे वो पनडुब्बी का घोटाला हो, चाहे वो हवाई जहाज का घोटाला हो, चाहे वो मशीन गन और तोप खाने का घोटाला हो, हर जगह पिछले शासन में यूपीए में घोटाला ही घोटाला हो। आपको बताना चाहता हूं और फौजियों को बताना चाहता हूं प्रगति का नाम क्या है और प्रगति लाने वाले मोदी जी का नाम क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। इस छोटे से अवधि में भारत सरकार ने 36 रफेल फाइटर जहाज इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 28 अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे बेड़े में शामिल हो गए, 15 चिनूक चॉपर्स हेलीकॉप्टर जो सामान भी उठाते हैं और फौज में लोगों को और फौजियों को लेकर के जाते हैं वो हमारे यहां परचेज हुए। सरफेस से एयर में मिसाइल छोड़ना और एयर में मार करना यह काम के लिए इसराइल की मदद से इस काम को भी हम लोगों ने बखूबी निभा दिया है और ये पूरा कर दिया है। इसकी टेस्टिंग की होगी। हमारे यहां हमारे फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट दी, आज 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लिए गए हैं और अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। यह भी हमको समझने आना चाहिए कि भारत ने कितना इस पर प्रगति की है, ये हमको समझना चाहिए। हमारे यहां AK-SR-203 राइफल के 5,00,000 खरीदे गए हैं और फौजियों के पुराने असले हटा करके AK-SR-203 ये अब दे दिया गया है फौजियों को, ये हमको समझना चाहिए। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि प्रगति रैली का मतलब प्रगति कैसे होती है और किस तरीके से फौजियों के उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य भारत सरकार ने किए हैं उसकी एक छोटी सी तस्वीर हमने आपके सामने। आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की निधि दे
का काम और 9 करोड़ किसानों को इसमें शामिल करने का काम और देश में 12 करोड़ किसान है, 12 करोड़ तक यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। यह हम आपको बताएं, आयुष्मान भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जो सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने तय किया कि हम हेल्थ के कवर में गरीब लोगों को देंगे और उन्होंने तय किया कि हम 1 अरब लोगों को यह सुविधा पहुंचाएंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर, स्वास्थ्य का कवर 5 लाख रुपए का इंतजाम सालाना 55 करोड़ लोगों का देने का काम आयुष्मान भारत में आदरणीय मोदी जी ने किया है। यह हम आपको बता रहा हूं और यह स्कीम 1 साल चली है, अभी 1 साल में 90 लाख पेशेंट्स ने इसका फायदा उठाया है और भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान उन अस्पतालों को किया है जिन्होंने गंभीर बीमारियों से मरीजों को निजात दिलाई है। ये हम आपको बता रहा हूं। अगर एक अरब दुनिया का टारगेट है और मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को भारत में ही हेल्थ कवर में कवर कर लिया, यानी 50% से ज्यादा मोदी जी ने ही दुनिया का एजेंडा पूरा कर दिया है। यह हमको समझना चाहिए। अगर हम उजाला की उज्ज्वला की बात करें, उज्ज्वला सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला उस परिवार के लिए एक नई उदाहरण लेकर के आई। आप याद कीजिए हमारी माताएं लकड़ी का जो चूल्हा था जिसमें लकड़ी से वो अपना भोजन बनाती थी, अपने फेफड़ों में धुआं देती थी और उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हानिकारक था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 8 करोड़ बहनों को गैस सिलेंडर के कनेक्शन के साथ उज्ज्वला योजना में इसको पूरा किया गया है। ये भी हम आपको बताऊंगा। मित्रों स्कीमों पर की बात करेंगे तो एक पर एक मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जिनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं आपसे अगर हरियाणा की बात करूं, ये हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार है जिसने तय किया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा और सिरसा को भी उसमें जोड़ा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, छोटी घटना नहीं है भाई। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को देख रहा था, इन्होंने कहा तुम्हारी सारी मांगे मांगी और बहुत पैसा है तो भी पैसे की व्यवस्था की जाएगी, करना होगा करेंगे। मित्रों पैसे से बड़ा होता है नियत, नियत साफ हो तो पैसा आ जाता है। मनोहर लाल जी की नियत साफ है इस कारण से विकास होगा। ये बात आपको शिक्षा की दृष्टि से कहा कॉलेज होगा, खेती की दृष्टि से मुझे बताया गया कि जो खाला होता है उसको पक्का करते हैं, वो पहले पक्का 24 फीट होता था, अगर 1 एकड़ की जमीन है, मनोहर जी की सरकार ने उसको 40 फीट तक पक्का करने का निश्चय किया है। ये अपने आप में कदम है जिसको हमको समझना चाहिए। ये विकास की नई कहानियां है। कभी आपने सोचा था कि हरियाणा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा? आज मनेठी में 1200 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। कभी आपने सोचा था कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर छत्तर में बनेगा और वह भी 30,035 करोड़ रुपए का वो बन गया है, 700 बेड का कैंसर हॉस्पिटल जो दुनिया का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा और सबसे उच्च क्वालिटी का कैंसर सेंटर है। मित्रों ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि नेता और पार्टी सही होती है तो काम सही होता है, इलाके का विकास होता है, बिना भेदभाव के विकास होता है। इस बात को समझना चाहिए। मैं विकास की अनेकों बातें आपको बता सकता हूं। आप बताइए आपको किसानों को पोर्टल पर दिया गया है कि डिजिटल बनाया गया है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको किस समय पर बेचना है, इसका
कार्य करता हूं कि अगर मनोहरलाल खट्टर जी की सरकार ने विकास किया तो आपने भी चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और धन्यवाद। और एक जागृत समाज की यही निशानी है, जगे हुए समाज की यही निशानी है, अच्छे को शाबाशी दो और जो गलत काम करता है उसको रोको। अगर गलत काम करने वाले को रोकोगे और अच्छे को शाबाशी दोगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरा संबंध रंजीत जी से बहुत पुराना नहीं है, लेकिन रंजीत जी की व्यवहार के बारे में मैंने बहुत पहले सुना। मेरी मुलाकात इनसे हुई, मैंने पाया कि जो मैंने सुना था उससे ज्यादा अच्छा चौधरी रंजीत सिंह जी के मुझे इनसे मिलने में थोड़ा वक्त लग गया। मैंने कहा क्षमा आपको रुकना पड़ा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूं, समय मैं लेके नहीं आया, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। इतना बड़ा दिन मैंने किसी का दिखाया, एक जीता हुआ विधायक, लोग तो जीते हुए विधायकों के पीछे दौड़ते। और उसी दिन रंजीत जी ने कहा कि मैं आज कभी स्वास्थ्य वर्ष नहीं आया हूं, मैंने मनोहर जी को साफ कहा है मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन हरियाणा के विकास में जुड़ना चाहिए, इस बात के लिए मैं धन्यवाद। रंजीत जी, ये लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है वो इस बात को बताता है कि आपने मेरे प्रति कितना प्रेम दिखाया है। और आप साथी में मिले थे, आपने कहा कि आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, मुझे आकर के अत्यंत खुशी हुई है। और आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि अब देखिए मैंने तो अपना सबको सब कुछ सामने है, अब आप जाने आपका काम जाने। मैं रंजीत जी को कहना चाहता हूं, अब आप कहां जाएंगे, अब तो आप हमारे संबंधी हो गए, अब तो आपको हमारे साथ ही रहना। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।